सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मॉर्निंग 8 बजे है और हमारे पीछे आपको दिखेगा एक वाटरफॉल जिसका नाम है तीछा वाटरफॉल। और वैसे बैरिकेड लगे हुए हैं, परमिशन नहीं है, बट कोई है नहीं तो हम बहुत क्लोज तरीके से इसको पास में देखने आ गए हैं। तो सुनील जी, क्या एक्सपीरियंस है, यहाँ का क्या वातावरण है? ये मज़ा आपको अगर लेना है तो आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह में आना पड़ेगा। ये सुबह सुबह आके आप जो प्रकृति का आनंद लोगे, मेरे ख्याल से जो हम बोलते हैं यूएस में नियाग्रा फॉल है या दूसरे वाटरफॉल, या हम उससे कहिए इंदौरी का वाटरफॉल है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। इसका आप और क्लोजअप देखो कैमरा से तो आपका आने का मन करेगा। देखो एक बार कैमरा से, इसकी पूरी वीडियो आपको दिखाएंगे, बहुत शानदार शानदार वीडियो बनी है। बहुत ही बेहतरीन वाटरफॉल है तीछा वाटरफॉल। फैमिली फ्रेंड के साथ आए, इंदौर से 25 किलोमीटर दूर है मेन इंदौर से, और बंगाली से तो कुछ 20 किलोमीटर, 17 किलोमीटर हार्डली। तो ज़रूर विजिट करें, इसकी बहुत सारी वीडियो मैं डालूंगा अगली स्लाइड में। आप लोगों के सामने प्रस्तुत है तीछा वाटरफॉल का मनमोहक नज़ारा। लश ग्रीन वातावरण, और मानसून में तो इसकी ब्यूटी और बढ़ जाती है क्योंकि मानसून में वाटरफॉल में पानी बहुत ज़्यादा आता है और हरियाली बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जिस वजह से जो वातावरण है पूरा लश ग्रीन हो जाता है, और जो माहौल है यहाँ का, जो एम्बियंस है वो बहुत ही बेहतरीन है। चट्टानों में छोटे छोटे पौधे लग गए हैं तो चट्टानें पूरी हरी भरी हो गई है। गर्मियों में वाटरफॉल में पानी नहीं रहता, पत्ते सूख जाते हैं। अभी मानसून सीज़न है, बारिश हो रही है तो वाटरफॉल में ग्रीनरी है, पानी पूरा साफ है और बहुत ही फ्लो से आ रहा है, तो यह सबसे खूबसूरत बात है इसकी। तो कुछ बाइट तो जल्दी से। हेलो हेलो, अरे यहाँ से रे, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये वीडियो चट्टान का ऊपरी छोर का है जहाँ से पानी नीचे जाता है वाटरफॉल में। जो पहाड़ी से नीचे जा रहा है पानी, ये ऊपर का नज़ारा है। ये जो चट्टान है जहाँ से होते हुए पानी नीचे तल में जाता है, जो कि खाई है, वहाँ का नज़ारा है। ये पीछे से बैक व्यू आपको दिखा रहा हूँ, सबसे क्लोज सबसे पास से आपको ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। मेरे दोस्तों के साथ मैं आया था, 2 दिन विजिट किया है इसको। पहले दिन विजिट किया तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, और सेकंड डे फिर हम पीछे वाला छोर जो है, जो इसका आखिरी छोर है जहाँ से पानी नीचे जाता है, जो ऊपर की चट्टान है, वहाँ होते हुए गए और वहाँ से ये वीडियो बनाया। तो 2 दिन में बना ये वीडियो है। ये मोदी जी की नई पहल है झंडा वाली, तो हम आज झंडा लेके आ गए हैं। सुनील जी कैसा लग रहा है? अरे ऑसम, भारत माता की जय, बात्रम बात्रम बात्रम। कितना साफ और सुरीला पानी है। सुरीला इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो पानी की आवाज है वो जब चट्टानों से टकराती हुई जाती है तो जो सुर बनते हैं वो बहुत ही अद्भुत होते हैं। जो गाना है ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा, वो परफेक्टली इस पे मैच होता है। 15 अगस्त का दिन भी था उस दिन, और हम इस वाटरफॉल को विज़िट करने गए। बहुत ही लश ग्रीन माहौल, और चट्टानों में भी बहुत खूबसूरती आ जाती है इस मानसून सीज़न में। चट्टानें भी सोने की तरह चमकती हैं। चट्टानों में बैठ के इस पूरे नेचुरल वातावरण को देखना, निहारना और ये एक्सपीरियंस करना बहुत ही अद्भुत होता है हर किसी के लिए। और हम बहुत फॉर्चुनेट थे कि सभी गए और हमें ये ऊपरी जो चट्टान है जहाँ से पानी नीचे पहाड़ से होते हुए नीचे सीधे जमी पे आ रहा है, खाई में जा रहा है, वो हमको देखने को मिला। और बहुत ही अद्भुत माहौल है। आप सामने देखेंगे क्या चट्टानों में हरियाली छा गई है, वो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है जो हम एक्सपीरियंस कर पाए इस जगह में। तीछा फॉल को ज़रूर एक्सपीरियंस करें, आसपास की नज़ारे देखें, और ये जो एरिया है जो आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पे भी जाएं। पीछे से रास्ता है, आप जब तीछा वाटरफॉल में आएंगे तो ये रास्ता आपको मिल जाएगा निचली छोर से। इस वाटरफॉल को देखने एक पपी भी आया था
जो कि काफ़ी देर से वाटरफॉल के सामने बैठा हुआ था। हमने उसका रेस्क्यू भी किया। ये बहुत ही खूबसूरत सा पपी, छोटा सा डॉग है, ये जस्ट चट्टान के पास बैठा हुआ था, इतनी क्लोज कि मतलब अगर जरा सा भी स्लिप होता तो सीधे नीचे खाई में जाता। और बेचारा भूखा प्यासा बड़ा ही क्यूट लग रहा था, तो इसको भी रेस्क्यू किया हमने। मतलब इतना शानदार व्यू देखने ये पपी आया था, और बहुत ही मतलब सेंटी नज़ारा था मेरे लिए, तो ये एक इस पपी को देखना बड़ा ही सेंटी हो गया था। मैं बेचारा भूखा था बहुत, तो और ठंड भी लग रही थी, उसको बारिश वारिश भी हुई है, तो इसका रेस्क्यू किया हमने। अब देखिए ये है वो नज़ारा जहाँ से पानी चट्टानों से होते हुए नीचे खाई में जा रहा है। ये वो नज़ारा है हमारे सामने, जो मोहतरमा देख रही है आपको, ये रश्मि मैडम है, बहुत ही एडवेंचर पर्सन है और इनको एडवेंचर करना बहुत पसंद है, तो ऐसी चट्टानों वाली रिस्की जगह पे आ जाती हैं और हमको भी घेर लाती हैं। तो ये वो नज़ारा है जो बहुत कम लोगों को देखने को नसीब होता है। हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि इतने पास से पूरे चट्टान से होते हुए पानी को हम देख पा रहे हैं, बहुत ही क्लोज, इतना क्लोज के 4 फीट ऊपर खड़ा हूँ मैं, और पूरा पानी हाथ से आप ले सकते हैं और पूरा चट्टानों से होते हुए नीचे वाटरफॉल में जा रहा है। वाटरफॉल का भी वीडियो मैं दिखाऊंगा, जो सामने से वाटरफॉल आता है, वैसे आपने पहली स्लाइड में देखा होगा, वो और खूबसूरत नज़ारा होता है, बट ये एक्सपीरियंस तो और शानदार है हमारे लिए। आप लोग भी तीसा वाटरफॉल को विजिट करें, इसका आनंद लें। मानसून सीज़न सबसे बेस्ट होता है, मानसून में वाटरफॉल देखना, इसे एक्सपीरियंस करना बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस होता है किसी के लिए, क्योंकि हरियाली उसकी ब्यूटी और बढ़ा देती है। इसका वाटर फ्लो तो बहुत ही अल्टीमेट है, वाटर का जो फ्लो है वो इतना शानदार है, इतना खूबसूरत है, और क्या स्पीड से पानी नीचे जा रहा है, बहुत ही अल्टीमेट वाटर फ्लो है। ऐसा मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया है, इतने पास से वाटरफॉल को मैंने देखा है, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस सिर्फ इंदौर में ही मिल सकता है। इंदौर के आसपास बहुत सारे वाटरफॉल हैं और दुनिया के सबसे शानदार वाटरफॉल्स में से एक होते हैं इंदौर के वाटरफॉल, बेस्ट वाटरफॉल है। मज़ा आ जाता है आपको, इतने क्लोज तरीके से आप देख ही नहीं पाते किसी वाटरफॉल को, और वो भी मानसून सीजन में। ये सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है, और भारत का झंडा लहरा रहा है हमारे सामने। 15 अगस्त की याद में हम इस वाटरफॉल को एक्सपीरियंस करने निकल पड़े हैं। सामने माहौल देखिए आप, चट्टानों में पूरी हरियाली छा गई है, जो कि बहुत ही अद्भुत व्यू है।